आज से जो लॉकडाउन बिहार में हुए हैं इसको लेकर के हम पहुंचे हुए हैं सिवान गोपालगंज के सीमा पर, और आपको बताते चले कि इस सीमा पर ना ही कोई सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ना ही कोई यहाँ पे स्टैटिक फोर्स लगाए गए हैं। आपको बताते चले कि बिहार में 16 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है। यहाँ तक कि जो प्राइवेट अगर गाड़ी है, अगर वो गाड़ी से अगर पूरे बिहार में चाहे कहीं भी किसी को जाना होगा तो प्रशासन से परमिशन लेना होगा। और हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल गाड़ियाँ जो हैं वो आ रही हैं, जा रही हैं, कोई यहाँ पे पूछने वाला नहीं है, ना ही कोई प्रशासन का कोई व्यक्ति भी यहाँ पे मौजूद है। यही वो बैरिकेटिंग है जो लगभग पिछले बार की अगर हम बात करें, जो लॉकडाउन थे उस समय ये बैरिकेटिंग लगाए गए थे, यहाँ पे स्टैटिक फोर्स भी तैनात थे। लेकिन आज आप देख सकते हैं यहाँ पे किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, जब चाहे जो चाहे जैसे चाहे वो गोपालगंज ज़िले से सिवान की तरफ प्रवेश कर सकता है और सिवान से भी दूसरे ज़िलों में जा सकता है। तो यहाँ पे चाहिए था कि कम से कम सिवान पुलिस को कि यहाँ पे फोर्स का इंतज़ाम कर दे, सुरक्षा का इंतज़ाम करे, ताकि अगर पूरे बिहार में अगर लॉकडाउन किया गया है तो उसका सिर्फ इतना ही मकसद है कि जो कोरोना पॉजिटिव मरीज जो लगातार बढ़ रहे हैं उसकी रोकथाम के लिए यह किया गया है, ताकि दूसरे जगह से इस जगह पे लोग ना आएँ और यहाँ से लोग दूसरे जगह ना जाएँ, क्योंकि यह महामारी है, वैश्विक महामारी है और लगातार इसकी संख्या जो है पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती जा रही है। लेकिन जब हम छोटपुर में पहुँचे हैं, जो कि सिवान गोपालगंज का जो सीमा है, जो बॉर्डर इलाका है, यहाँ पर आने के बाद जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि बिल्कुल यहाँ पर कहीं भी किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं, आप देख सकते हैं बैरियर जो पुराना बैरियर है उसी तरह का लगा हुआ है। यही जगह है जहाँ पे कैंप लगा रहता था, लेकिन आज जो है बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। एक व्यक्ति यहाँ पे मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे कि आखिर इन्हें कहाँ जाना है, आपको कहाँ जाना है। हम जाएंगे गोपालगंज। गोपालगंज बाइक से ही जाएंगे? हाँ। क्या कुछ विशेष? नहीं नहीं, हम उधर हैं, इधर आए हैं दवा के लिए। दवाई के लिए आए हैं। अच्छा, दवा के लिए आए थे। हाँ। कहाँ पे आए थे आप? सिवान। तो लॉकडाउन है ये आपको पता है? नहीं तो पता तो नहीं, सब आदमी जा रहा है आ रहा है। अच्छा, कोई यहाँ पे रोकने के लिए पुलिस वुलिस की कोई नहीं है? कहीं भी कोई रोकने वाला नहीं है। तो क्या माना जाए कि बिहार में जो लॉकडाउन लगाया सिर्फ इसी तरह से एक जनता को बरगलाने का काम किया गया क्या? नहीं, मना करना चाहिए, लॉकडाउन सबको मालूम है जी, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है यहाँ। नहीं है। और पिछले बार जब लॉकडाउन था तो इधर कभी आप आए थे यहाँ पे? तो नहीं, हम नहीं आए। नहीं आए थे, मतलब कि व्यवस्था होना चाहिए, प्रशासन को रहना चाहिए, मना करना चाहिए। मना करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए जी। लेकिन अभी यहाँ पे आए हैं तो कहीं कुछ बॉर्डर पे कहीं कुछ नहीं? आए कुछ नहीं है, बिल्कुल जिसको आना है जाना है जाए, जा रहा है, देखते नहीं है। हाँ, अपना नाम बताइए। हमारा नाम राजा शर्मा है। तो बिल्कुल आपने देखा है, राजा शर्मा है, गोपालगंज ज़िले से हैं, और यही आलम है कि जिन लोगों को रोकना चाहिए वो यह जो ज़िला का जो बॉर्डर है, सिवान ज़िले का ये गोपालगंज ज़िले का बॉर्डर जो सीमा है ये छोटपुर, यहाँ पे कहीं भी किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। और इस पूरे मामले पे हम बात करेंगे, हमारे साथ सहयोगी मौजूद है जो ANI के रिपोर्टर नजरे आलम, इनसे बात करेंगे। ये बताइए, पिछले लॉकडाउन की अगर बात करें तो हम लोग लगातार यहाँ पे आते थे खबर कवरेज करने के लिए, उस समय यहाँ पे 5-6 की संख्या में फोर्स रहते थे, या फिर गोपालगंज ज़िले के पुलिस बल रहते थे, सिवान के भी रहते थे, लेकिन एक भी फोर्स दिखाई नहीं दे रहा है। और ऐसा लग रहा है कि अब जिसको जहाँ जाना है, तो फिर लॉकडाउन का मतलब क्या? देखिए, पिछले बार जब लॉकडाउन लगा था तो वाकई में यहाँ पे दोनों ज़िले के फोर्स रहती थी, एक तरफ से गोपालगंज का फोर्स यहाँ रहता था, अपना काम करता था, सिवान पुलिस भी यहाँ पे काम कर रही थी, और लगातार जो भी बिना ज़रूरत के कोई और लोग घर से बाहर निकलते थे तो उनसे पूछता था, उनसे ज़रूरत पूछता आप कहाँ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, वैसे पूछताछ कर चेकिंग करने के बाद ही उनको एंट्री दी जाती थी, या फिर जो सिवान से कोई गोपालगंज थे उनको यहाँ से जाने की अनुमति दी जाती थी। लेकिन इस बार लॉकडाउन लगा है और लोग खुलेआम आ रहे हैं, जा रहे हैं, यहाँ इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं दिख रही है। कोई व्यवस्था नहीं है, इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। प्रशासन को इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन लगा है तो कहीं ना कहीं ये वैश्विक महामारी है, कोरोना काल कहा जा रहा है, तो इस कोरोना काल में कहीं ना कहीं हम रोकेंगे आपको। एक मिनट भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं आप? बाज़ार पे। कौन बाज़ार? सोन सो। तो लॉकडाउन है ये पता है आपको? जी जी। तब बाहर ना मास्क पहने हुए हैं ना कुछ लगाए हुए हैं, क्यों डर नहीं है? नहीं सर, डर है। तो मास्क आप नहीं लगाए हुए हैं? यहीं जा रहे, थोड़ा मेहमान आ रहे हैं।
तो मेहमान आएंगे तो आज कोरोना नहीं आएगा? नहीं नहीं सर, ऐसा बात क्या ऐसा बात नहीं है। तो आप मास्क क्यों नहीं लगाए? मेहमान आ रहे हैं इसीलिए खुशी है कि मेहमान आ रहे हैं। सर खरीदे नहीं है, अभी उधर से आएंगे तो मास्क लगा। आज तक इतने दिन हो गए, 4 महीने तकरीबन होने जा रहे हैं, आज तक मास्क आपने नहीं खरीदा? हम ये जो पहले लॉकडाउन लगा था उसमें हम बाहर निकले ही नहीं, घर पे ही रहते हैं, यही मोड़े पर काम करते हैं, छाप मोड़ पर। आपको पता है ना कि लॉकडाउन है? जी जी। तो फिर आप घूम रहे हैं आराम से? नहीं नहीं सर, और उधर से आ रहे हैं तो मास्क लगा कर आएंगे। नाम बताइए अपना। बुनीलाल प्रसाद। कहाँ के रहने वाले हैं? यही छाप। छाप के रहने वाले लोग हैं, आज इनके यहाँ मेहमान आ रहे हैं, शायद कोरोना को डर लग गया है कि आज मेहमान इनके आएंगे, इसलिए आज हम नहीं इनको पकड़ेंगे। ठीक है, आप जा सकते हैं। तो बिल्कुल नजरे आपने देखा कि लोग जो हैं अब इनके यहाँ मेहमान आने वाले हैं, इसलिए इन्हें लग रहा है कि कोरोना आज नहीं पकड़ेगा। बिल्कुल, इनको मास्क पहनना चाहिए। ये कोरोना सरकार आखिरकार ये लॉकडाउन लगाई है, कहीं ना कहीं पब्लिक के लिए ही लगाई है, क्योंकि मान लीजिए कोरोना दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है और कहीं ना कहीं लोगों को भी सोचना चाहिए कि कोरोना है, बीमारियां लगातार बढ़ते जा रही हैं, तो घर से बाहर निकलते समय मास्क लगाएं। और ज़्यादातर लॉकडाउन का मतलब ये होता है कि ज़्यादातर लोग अपने घरों में रहें ताकि बीमारी को रोका जा सके। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि इस तरह से जो बिहार में पूर्णतः लॉकडाउन एक बार फिर से जो किया गया, और यहाँ जब बॉर्डर पर आने के बाद की जो स्थिति है कि यहाँ बिल्कुल कहीं भी किसी चीज़ की रोक टोक नहीं है, लोग आ जा रहे हैं, तो फिर लॉकडाउन से क्या फ़ायदा? सिवान गोपालगंज बॉर्डर की बात करें तो वाकई यहाँ पे ना कोई पुलिस फोर्स है, ना कोई व्यवस्था है। प्रशासन को चाहिए कि अगर लॉकडाउन सरकार ने लगाया है तो यहाँ पे पुलिस फोर्स तैनात करे, और जो भी बिना ज़रूरत के लोग घर से बाहर निकलते हैं या फिर इस ज़िले से उस ज़िले की ओर जा रहे हैं तो उन पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए। यहाँ पर फोर्स की ज़रूरत है, ये प्रशासन की कहीं ना कहीं छोटी सी चूक मानी जा रही है, क्योंकि ज़िले से जो बाहर से लोग आ रहे हैं ऐसा जो गाइडलाइंस मिला है वो परमिशन लेकर के आना है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ऐसे ही लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। इस लॉकडाउन में तो ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। प्रशासन को चाहिए, दोनों ज़िले के प्रशासन के लोगों को चाहिए कि बाय द वे सिवान से ही कोई इफेक्टेड व्यक्ति गोपालगंज में अगर यदि जाता है तो वहाँ जितने लोगों के कॉन्टेक्ट में वहाँ वहाँ भी इफेक्टेड कर ही देगा। तो ऐसे में तो यहाँ पर फोर्स की ज़रूरत ज़रूरी है। कुछ और लोग साइकिल से आ रहे हैं, इनसे ही बात करेंगे। आप बताइए कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं। घर? हाँ। कहाँ रह कहाँ से रहे? यहाँ पे गए थे काम करने के लिए। अच्छा, किस चीज़ का काम हुआ? अल्मोनियम का काम करते हैं। तो लॉकडाउन आज से लगा हुआ है, आपको पता है फिर से? हाँ पता है। तो बाहर तो नहीं निकलना है ना? जी सर। तो फिर बस ऐसे चले आए पता करने के लिए, जो देखे काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, फिर वापस जा रहे हैं। वापस जा रहे हैं। तो यही आलम है कि जब हम गोपालगंज के सिवान और गोपालगंज के जब बॉर्डर पे हम पहुँचे तो कभी यहाँ पे जब लॉकडाउन रहते थे उस समय काफ़ी यहाँ पे भारी मात्रा में फोर्स हुआ करते थे, लेकिन आज की जो स्थिति है, आज बिहार में फिर से एक बार जब लॉकडाउन शुरुआत हुई तो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे सुरक्षा के जो कहे जाते हैं वो कवच यहाँ पे नहीं लगाए गए हैं, यानी कि कोई भी किसी तरह की कोई तैयारी नहीं है प्रशासन के द्वारा। बिल्कुल जो सीमा है ये खुली हुई है, लोग जो हैं आ रहे हैं, लोग जो हैं जा रहे हैं, कहीं से किसी तरह की रोक टोक नहीं है। तो ऐसे में बताया जाए, हम सिवान की प्रशासन से ये पूछना चाहते हैं कि क्या पूरे बिहार में अगर लॉकडाउन है पूर्णतः रूप से तो सिवान और गोपालगंज की सीमा को क्यों नहीं सील किया गया है, क्यों नहीं यहाँ पे आपके फोर्स को आप लोगों ने रखा है ताकि ये लोग लोगों से कम पूछताछ करके और तब सीमा में प्रवेश कराएँ या फिर यहाँ से जाने दें। क्योंकि बिहार में अगर लॉकडाउन है तो परमिशन, जैसे कि जो गाइडलाइंस आए हुए हैं उसमें प्रशासन के द्वारा परमिशन के बाद ही कहीं आ सकते हैं जा सकते हैं, लेकिन यहाँ तो देखा जा रहा है कि बिना परमिशन के सब कुछ अलाउ है इस सिवान और गोपालगंज की सीमा पर। ऐसे में इस खबर को देखने के बाद देखना यह होगा कि जो वरीय पुलिस अधिकारी है क्या कुछ कार्रवाई करते हैं, क्या ऐसे ही 15-16 दिनों तक चलता रहेगा, या वाकई में इस सिवान और गोपालगंज की सीमा जो छोटपुर की सीमा है यहाँ पर स्टैटिक फोर्स लगाए जाएंगे, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी आशीष कुमार और नजरे आलम के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, छोटपुर सिवान। मैं अपने विद्यालय के BDS पब्लिक स्कूल के तरफ से सभी बच्चों को, उनके गार्जियन को और साथ में तमाम बिहारवासियों को इस देवा अधिदेव महाशिव के शुभ सावन के पर्व पर मैं सभी को आंतरिक बधाई और शुभकामना देता हूं। साथ में जितने भी लोग हैं, महादेव की कृपा से इस कोरोना में सुरक्षित रहें और देश का और बिहार का नाम रोशन करते रहें। धन्यवाद।
पतंजलि चिकित्सालय फतेहपुर दुर्गा मंदिर के पास सिवान स्वामी रामदेव जी महाराज द्वारा प्रशिक्षित वैद्य द्वारा विभिन्न प्रकार की बीमारियों का निःशुल्क इलाज व रोग द्वारा निदान, गुप्त रोग, निसंतान, बालों का झड़ना, कैंसर, डेंगू मलेरिया, चिकनगुनिया, ब्लड प्रेशर, सुगर, स्वप्न दोष, लिकोरिया, मोटापा, कील मुहासा, दमा, टीवी इत्यादि रोगों का बेहतरीन इलाज। डिस्काउंट कार्ड बनवाए 5-10% की छूट पाए। फ्री होम डिलीवरी सुविधा। संपर्क करें 9431424781 9572294781। नकलों से सावधान, इसकी कोई दूसरी शाखा सिवान में नहीं है।